और यहाँ पे देख सकते हैं पुल टूट गया है, मैं बहुत ज्यादा पुल टूट गया है गाड़ी आने। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, कहाँ जा रहे हैं घूमने वो हमको भी पता नहीं। अगर आप सबको जानना है कहाँ जाना है तो आप सब वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, लास्ट तक चलते हैं आगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरे गाँव का प्यारा सा भोले बाबा का मंदिर है। फाइनली मैं एक लोकेशन पर पहुंच गया हूं, उस लोकेशन पर आया हूं जिस लोकेशन पर मैं दुर्गा माँ का मूर्ति विसर्जन किया था। पहले से काफ़ी ज़्यादा नदी में पानी आ चुका है, यानी बाढ़ जैसा मौसम आ चुका है। और यहां पर देख सकते हैं पुल टूट गया है, मैं बहुत ज़्यादा पुल टूट गया है, गाड़ी आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा पुल टूट चुका है, जो गाड़ी नहीं जा सकता है, इस पर बड़ा गाड़ी नहीं जा सकता, छोटा मोटा गाड़ी जाता है। देखिए अंदर से पूरा मिट्टी जितना कुछ गिरा पत्थर उत्थर सब भरा के नीचे गिर रहा है, दोनों साइड एक साइड नहीं। आप देख सकते हैं इधर भी कितना ज़्यादा टूट गया है, पूरा अंदर से पूरा माटी भरा के नीचे आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना तेज पानी चल रहा है, काफ़ी लंबा पुल है, फिर भी देखिए कैसे बनाया गया है इंजीनियर लोग से, यहाँ पर टूट गया हुआ है। फ्रेंड आप देख सकते कितना ज़्यादा पानी आ गया है इसमें, बहुत ज़्यादा ही पानी है, यहाँ पानी बहुत उल्टा सीधा चल रहा है, आप देख सकते हो इधर में। और फ्रेंड इधर भी देख सकते हो बहुत ही तेज पानी चल रहा है, पता नहीं पुल कब धंस सकते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर गाड़ी आने जाने के लिए बंद किया हुआ है, वहाँ यहाँ पर देख सकते गाड़ी बड़ा गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ पर रोड ब्लॉक किया गया हुआ है बड़ा गाड़ी आने के लिए, यहाँ पे सिर्फ बाइक जा सकता है आ सकता है। यहाँ पे दोनों साइड देख सकते हैं भरक चुका है, यहाँ पे देख सकते कितना ज़्यादा पानी है। फिर आप देख सकते हैं वहाँ पे एक डैम है जिसे जिसमें ज़्यादा पानी आने पर डैम खोल दिया जाता है ताकि इसे बाहर पानी चला जाने है, तो गाँव में पानी यहाँ पर घुसने का संभावना बना रहता है। अब हम लोग घर के यहाँ पे बारिश